क्या आपने कभी ऐसी एक न्यूज़ सुनी है कि एक प्रेग्नेंट मदर को उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि उसके पेट में लड़की थी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चा लड़की बनेगा या लड़का बनेगा, यानी कि बच्चे का सेक्स कौन डिसाइड करता है। क्या उसकी मम्मी उसका सेक्स डिसाइड करती है या उसका पापा उसका सेक्स डिसाइड करता है। तो बेसिकली हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूँ एक मेल की, तो मेल के 23rd क्रोमोसोम पे एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल के 23rd क्रोमोसोम पे दोनों क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। तो ये वाई क्रोमोसोम डिसाइड करता है कि कोई मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। अगर किसी के पास वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल बनेगा, और अगर किसी के पास वाई क्रोमोसोम नहीं है तो वो फीमेल बनेगा। तो होता क्या है कि जब मेल की बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं तो इन स्पर्म्स में या तो एक्स क्रोमोसोम होगा या फिर वाई क्रोमोसोम होगा। मतलब ये रैंडम होता है, किसी भी स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और किसी भी स्पर्म में वाई क्रोमोसोम भी हो सकता है, लेकिन होगा सिर्फ एक ही, या तो एक्स या तो वाई। फीमेल की बॉडी में जो एग बनता है उस एग में एक्स क्रोमोसोम होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, तो उस टाइम पे ये डिसाइड होता है कि बेबी का सेक्स क्या होगा। अगर तो मेल का वो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल के एग के साथ फ्यूज हो जाएगा तो हमें दो एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे, तो ये एक फीमेल बनेगी, मतलब एक लड़की पैदा होगी। और अगर मेल का वो स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो फीमेल के एग के साथ फ्यूज हो जाएगा तो हमें एक्स वाई क्रोमोसोम मिलेंगे, और क्योंकि इसमें वाई क्रोमोसोम है तो एक लड़का पैदा होगा। तो फाइनली इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो ताकि हर बंदे को ये पता लग सके कि उसका बेबी लड़का होगा या लड़की होगी। ये चीज़ उसकी मम्मी नहीं, उसके पापा डिसाइड करते हैं। और हमारी सोसाइटी में जो लड़कियों को, प्रेग्नेंट मदर्स को मारा जाता है क्योंकि उनके पेट में लड़कियां होती हैं, उस चीज़ को बंद किया जा सके। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो।